ध्यान नहीं दे रही, कैसी बैठी है जैसे कोनो चिंता है। अरे चिंता की बात काहे नहीं है, पूरी जिंदगी कोठरिया में बिताने का इरादा नहीं है हमरा। हम जो कहेंगे वो करेंगे। हाँ करेंगे हम, यही ठीक है छोटे ठाकुर। काहे हमारा मंदिर तो बस यही है। मंदिर आना चाहती थी काहे लिए, जब अंदर ही नहीं जा सकती। सब चीज इंसान के हाथ में कहाँ होता है छोटे ठाकुर, इच्छा है तो अधिकार नहीं, अधिकार है तो प्यार नहीं। क्या जमाना आ गया है, मंदिर आओ तो भगवान से पहले निज जात का दर्शन करना पड़ता है। अरे इन लोगों को मुंह लगाओगे तो यही तो होगा, लोगों का घर तो गंदा किया ही हुआ है और अब मंदिर भी नहीं छोड़ेंगे। काहे सोच रहे हैं आप, समाज का कायदा कानून यही है, आप ऊपर जाइए हम यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। आप दर्शन करने गए नहीं का छोटे ठाकुर? तुम्हारे लिए भगवान मंदिर के भीतर भी हैं और बाहर भी, तो काम रे लिए दूसरे भगवान है का। अरे सुनो हृदय से देखे पापा को बोले तैयार होके नीचे आने के लिए। जी हाँ बोल दिए, बस वो खाना खा के आ रहे। अरे खाना खा के आ रहे, यादव जी का नया घर देखने जाना है, देरी हो जाएगी, हम ही को जाना पड़ेगा। कम से कम ये मिठाइयां तो खाती जा। संध्या जी तो बहुत बढ़िया है। अभी तो जा जा जा। कैसे गिरेगा ये सब, तुम ही आप बर्तन पटकने में लगी हो, वहाँ रात की खाने की तैयारी कौन करेगा? बस करवा ली, हम तो आपसे ही पूछ रहे थे कि आलू बनाए। हाँ बना लो। दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप और भी काम कर सकते हैं। काहे नहीं जमीन को बोते हैं, अपने बोए हुए को फलते फूलते देखकर बड़ा संतोष होता है छोटे ठाकुर। और ये जमीन तो आपकी है, इसको बोने जोतने से आपको कौन रोकेगा? बंजर है लाली, कुछ नहीं हो सकता इसमें। धरती मैया हमेशा इंसान की मदद के लिए तैयार रहती है छोटे ठाकुर, बस आपके कदम बढ़ाने भर की देरी है। फिर देखिएगा दिल से गिरा हुआ हर दाना जरूर उगेगा और फल भी देगा। देखिए छोटे ठाकुर, कुदरत भी आपको इशारा कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। मौसम इतना खराब हो रहा है, बबुआ पता नहीं कहाँ है। अरे बबुआ जी की काहे फिक्र कर रही हैं? पहली बात थोड़ी घर से गए हैं, आ जाएंगे। वो बात नहीं है। का? और तरह भी तो चिंता होती है। अरे वो चिड़ैया लेके गई है ना शेखर बबुआ जी को, काहे उनको सोचना चाहिए ना कि ओकरा जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नहीं दे गई अपने मालिक को। बबुआ लाली के साथ गया है ना तो चिंता की कोनो बात नहीं है, वो ध्यान रखेगी उसका। तुम्हें हमारे बेटे का आखिरी सहारा, तुम्हें जाओगी कि वो जिंदा रहे।